आजादी को भीख बताकर वतन पर मर मिटने वालों का अपमान करने वाली कंगना रनौत का देश भर में जमकर विरोध हो रहा है। कंगना ने जो कहा उससे बीजेपी के नेता भी अब बच बच कर ही बोल पा रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कंगना को सबक सिखाते हुए कहा कि जब भारत आजाद हुआ तो उसको किसी को भी नीचा दिखाने या दागदार करने का हक नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने ट्वीट करते हुए कंगना को खरी खोटी सुनाई और कहा, एक स्वतंत्रता सेनानी पिता का पुत्र होने एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आने का कारण कंगना रनौत के द्वारा भारत की आजादी को भीख में मिली आजादी कहना मुझे आजादी का सबसे बड़ा दुरुपयोग एवं स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का अपमान लगता है। काश भारत की न्याय व्यवस्था संज्ञान ले। वहीं लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने कंगना की एक पुरानी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, जब कुछ लोग अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे तब देश के वीर फांसी का फंदा चूम रहे थे। तो ये कहकर कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है, देश के खातिर शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को तो अपमानित ना करें। अगर वो देश के खातिर बलिदान ना देते तो आज भी किसी अंग्रेज के घर में जूते चप्पल साफ कर रहे होते। जिस तरह से बीजेपी की नेता आप कंगना रनौत के बयान से किनारा कर रहे हैं, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।